दोस्तों, क्या आप भी अपने फोन के बैटरी बैकअप से परेशान हो और फोन भी बहुत ज्यादा हैंग होता है? तो भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के बैटरी बैकअप को इंक्रीज कर सकते हो और अपने फोन की हैंगिंग प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे फोन के अंदर एक हिडन सेटिंग्स होता है। आप अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक एक्सेसिबिलिटी नाम से ऑप्शन मिलेगा और इसी के अंदर आपको कुछ ऐसे खुफिया सेटिंग मिलते हैं ना, जो कि आप अपने फोन के बैटरी बैकअप को भी इंक्रीज कर सकते हैं और अपने फोन के हैंगिंग प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने फोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोन यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के बैटरी बैकअप को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने फोन के हैंगिंग प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसका नाम होता है एडिशनल सेटिंग्स। यहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है एक्सेसिबिलिटी, और ये हम सभी के फोन के अंदर होता है। अगर आपके फोन के एडिशनल सेटिंग्स नहीं है तो डायरेक्टली वो आपको सेटिंग्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये हम सभी के फोन के अंदर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर आ जाना है, ठीक है। यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जनरल, विजन, हियरिंग एंड फिजिकल का, और इसी के अंदर आपको कुछ खुफिया सेटिंग भी मिलते हैं जो कि आप अपने फोन के बैटरी बैकअप को भी इंक्रीज कर लेंगे और अपने फोन के हैंगिंग प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर वो सेटिंग देखने को मिलेगा कहां, तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे फर्स्ट सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर आपको एक विजन का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली आपको विजन पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है सेलेक्ट टू स्पीक, यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। और ये कई लोग करते क्या है ना कि अपने फोन में ऑन करके रखते हैं, जिससे क्या होता है ना कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होता है, ये खुद ही आपको पढ़कर बताएगा, लेकिन उससे क्या होता है ना कि आपकी जो फोन का बैटरी है वो दुगने स्पीड से खत्म होता है और आपके जो फोन का सीपीयू है ना उस पर ज्यादा लोड पड़ता है और उस वजह से आपका फोन भी तुरंत हैंग होने लगता है। तो कभी भी आपको सेलेक्ट टू स्पीक को ऑन नहीं करना है, ठीक है, इसे आप अपने फोन में हमेशा बंद ही रखिएगा। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे ऑफ सीक्वेंस सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली आपको बैक चले आना है, आपको विजन के अंदर आ जाना है, ठीक है। यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम होता है रिमूव एनिमेशन, यहां पर आप देख सकते हो। लेकिन ये कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। जैसे कि आप अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, कोई भी गेम खेलते हो या फिर कोई भी सेटिंग्स के अंदर जाते हो तो सभी के अंदर एनिमेशन क्रिएट होता है और उस वजह से क्या होता है कि जो आपके फोन का सीपीयू होता है उस पर ज्यादा लोड पड़ता है और उस वजह से आपका जो फोन है वो तुरंत हैंग होने लगता है। तो यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको रिमूव एनिमेशन को ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन करने के बाद क्या होगा ना कि आपके फोन में जितने भी एनिमेशन क्रिएट हो रहे थे वो सारा यहां पर बंद हो जाएगा और जो आपका फोन है वो दुगना स्पीड काम करेगा और कभी भी हैंग नहीं होगा आपका फोन। तो ये सेटिंग्स आप अपने फोन में जरूर ऑन कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे अब थर्ड सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर आप थोड़ा राइट में स्लाइड करोगे तो यहां पर एक फिजिकल का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको फिजिकल पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद यहां पर आपको सेकेंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है टच एंड होल्ड डिले, यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। और ये क्या होता है ना कि हम सभी के फोन के अंदर मीडियम पर या फिर लॉन्ग पे सेट होता है, जिससे क्या होता है ना कि जो आपका फोन है वो बहुत स्लो काम करता है और उस वजह से क्या होता है कि आपका फोन तुरंत हैंग होने लगता है और बैटरी भी बहुत जल्दी खत्म होने लगता है। तो यहां पर आपको कभी भी मीडियम या लॉन्ग नहीं करना है, यहां पर क्या करना है आपको शॉर्ट्स कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा ना कि जो आपके फोन का टच है वो तुरंत रिस्पांस देगा, आप कहीं भी टच करोगे आपको तुरंत रिस्पांस मिलेगा। और यही अगर आपके फोन में मीडियम या लॉन्ग पे सेट होता है तो यहां पर आपको कुछ मिनी सेकेंड लगते हैं, कहीं भी आप टच करोगे तो यहां पर कुछ मिनी सेकेंड टाइम लगते हैं, उसके बाद ही आपके फोन में टच रिस्पॉन्स देता है। तो यहां पर आपको शॉर्ट्स कर देना है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे फोर सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको वाइब्रेशन एंड हैप्टिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, पहला मिलेगा रिंग वाइब्रेशन, दूसरा मिलेगा नोटिफिकेशन वाइब्रेशन और यहाँ पर एक मिलेगा टच फीडबैक। यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन वाइब्रेशन के नाम से, डायरेक्टली आपको इसके अंदर जाना है। और ये क्या होता है ना कि हम सभी के फोन के अंदर ऑन रहता है और इस वजह से क्या होता है कि आपके फोन में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो आपका फोन है वो वाइब्रेट करता है और उस वजह से जो आपके फोन का बैटरी है वो बहुत जल्दी खत्म होता है, क्योंकि हमारा फोन जितना ज्यादा वाइब्रेट करता है उतना हमारे फोन का बैटरी भी वो कंज्यूम करता है। और हमारे फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, व्हाट्सएप से आते हैं, इंस्टाग्राम से आते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं और जब जब आपके फोन में नोटिफिकेशन आता है तो उस वक्त जो आपका फोन है वो वाइब्रेट करता है और आपका फोन बहुत स्लो काम करेगा और बहुत जल्दी आपके फोन का बैटरी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इसे बंद कर देना है, ठीक है। इससे आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो आपके फोन में बेकार का वाइब्रेशन होता था वो यहाँ पर बंद हो जाएगा और जो आपके फोन का बैटरी बैकअप है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको बैक चले आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम होता है टच फीडबैक। यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको इसके अंदर जाना है, ठीक है। और ये क्या होता है ना कि हम सभी के फोन के अंदर ऑन रहता है, लेकिन ये कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, आप कहीं भी अपने फोन में टच करते हो, बैक करते हो, होम पेज पर जाते हो तो आपके फोन में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। आप कहीं भी टच करोगे तो यहाँ पर एक वाइब्रेशन होता है और वो क्या होता है कि इस वजह से होता है और ये आपके फोन के बैटरी को बहुत ज्यादा ड्रेन करता है, क्योंकि हम कहीं भी टच करते हैं तो हमारे फोन में वाइब्रेशन क्रिएट होता है और उस वजह से क्या होता है कि जो आपके फोन का वाइब्रेटर मशीन होता है ना वो आपके फोन के बैटरी को भी बहुत ज्यादा ड्रेन करता है और आपका जो फोन है बहुत स्लो भी काम करता है। तो यहाँ पर आपको कहीं भी ऑन नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर इसे बंद कर देना है। इसके बाद क्या होगा कि आप अपने फोन में कहीं भी टच करोगे तो आपके फोन में वाइब्रेशन नहीं होगा। आप कहीं भी टच करो, कुछ भी अपने फोन में काम करो तो आपके फोन में वाइब्रेशन नहीं होगा बेकार का और जो आपके फोन का बैटरी है वो लंबे समय तक चलेगा। तो यही पांच सेटिंग्स आपको अपने फोन के अंदर करना है, उसके बाद जो आपके फोन का बैटरी है वो लगातार 3 दिन तक चलेगा और जो आपका फोन है ना वो लाइफ में कहीं भी हैंग नहीं होगा। आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलो, कितना भी अपने फोन को यूज करो, आपका जो फोन है वो कभी भी हैंग नहीं होगा। तो ये पांच सेटिंग्स आप अपने एसेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।